रीडिंग अबाउट ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स। कार्ल लैंडस्टाइनर इन 1900 आइडेंटिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। देयर ब्लड ग्रुप्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंटीजन्स फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द आरबीसीज। आरबीसीज फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजन्स ए एंड बी। हाँ, अब ये देखो, मेन बात समझने वाली ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम सब में जो ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब किसी को ब्लड कम हो जाता है किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी डिजीज के कारण, तो फिर दूसरे ह्यूमन का ब्लड हम चढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। तो ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं, तो ये चार तरह के हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ, ठीक है। और सबसे पहले ये कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे हैं, किसी में ए किसी में बी, कैसे है ये? ये ना, प्रोटीन। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जो प्रोटीन कुछ है, कहाँ पे होती है? आरबीसी की सरफेस पे, रेड ब्लड कार्पसल्स की सरफेस पे जो प्रोटीन होती है ना, तो प्रोटीन जो है, पर्टिकुलर प्रोटीन एंटीजन जिसको कहते हैं, उसके बेस पे ये ब्लड ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। तो ये एंटीजन है, ये दो तरह के होते हैं आरबीसीज के ऊपर, ए एंड बी। जिन, हाँ जी पढ़ लो आगे, फिर मैं बताती हूँ आपको। A person's blood group is A if the antigen present on his RBCs is A and B. रुको अभी, तो अब ये है कि किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए कैसे है? अगर उसके ब्लड के RBCs में A एंटीजन उसकी सरफेस पे पड़ा हुआ, तो उसका ब्लड ग्रुप A हो जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. And B, if the antigen is B, the persons whose RBCs have both types of antigens belong to the AB blood group and those with no antigens, i.e. neither A or B, have the O blood group. हाँ, अब ये देखो, समझने वाली बात ये है, मेन बात तो यही समझो कि जिस ह्यूमन बीइंग के आरबीसीज के ऊपर सरफेस पे जो दो एंटीजन है ए और बी, जिसके अंदर ए होता है सरफेस पे, उसका ब्लड ग्रुप ए है। जिसके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है, उसका ब्लड ग्रुप बी है। जिसके आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन है, एंटीजन ये वाले जो प्रोटीन है, ए और बी दोनों है, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। और जिसमें ये दोनों ही नहीं है, नो एंटीजन, दोनों एंटीजन नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ। ठीक है बेटे।